शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रामचरितमानस की एक चौपाई बोलकर उन्होंने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी है। इससे महागठबंधन के बारे में लोगों को भ्रम फैल रहा है कि हम लोग हिंदू और रामचरितमानस के विरोधी हैं। गलत है, पूरा बहुजन भगवान श्री रामचरितमानस पर विश्वास करता है और उसके रामचरितमानस के प्रति अपना श्रद्धा रखता है। वापस लेना चाहिए उनको बयान। आज को कैबिनेट में आपकी भेंट होगी उनसे, क्या इस पे बात होगी कि आपने ऐसा जो बात दिया? हमको लगता है कि जब आरजेडी ने उनकी अपनी बात आरजेडी ने उनसे वापस ले लिया है, आरजेडी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बाद वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर हम ये मानते हैं कि हम लोग को एग्जिस्टेंस विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिस पर कि हिंदू भावनाओं का आदर है सम्मान है, मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है, सिख भावनाओं का आदर सम्मान है, हम गुरुवाणी पर क्यों, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों बोलेंगे, हम कुरान पर क्यों बोलेंगे, हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे, उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे, हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे, इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस बयान से पार्टी का क्या स्टैंड है, एक बार क्लियर कर दे, जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू का तो हम बताएं कि को एग्जिस्टेंस का हमारा स्टैंड हमेशा को एग्जिस्टेंस का स्टैंड है, हमारे नेता को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, मुस्लिम धर्मों के प्रति भी सम्मान और प्यार रखते हैं, और यही कारण है ना कि हमने आपको बताया कि मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, मित्तन घाट, बिहार शरीफ, सब जो सूफी सेक्टर है इसको माननीय नेता ने डेवलप किया है, और गुरु गोविंद सिंह की जयंती 250वां किस तरह से बनी, अब आप जाके देखिए आज से 15 वर्ष पहले पटना सिटी का गुरु गोविंद सिंह का जो जगह था वो क्या था और आज क्या हो।